हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नर्सरी से लाए क्रिसैंथेमम के पौधे को कैसे रीपॉट करें उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं कुछ अलग वैरायटी हो ऐसा सोचकर क्रिसैंथेमम के कुछ सैपलिंग्स लाई हूँ, तो उसी को कैसे रिपोर्ट करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैंने कई कटिंग ग्रो की है, दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए, ये सारे कटिंग्स मेरे लग गए हैं और इसको रिपोर्ट भी कर दी है और फर्टिलाइज़र भी दे दी है। थोड़ी अच्छी ग्रोथ होने के बाद पिंचिंग कैसे करेंगे तो ये भी वीडियो शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये सेकेंड लॉट की कटिंग को भी मैंने लगा दी है, ये देखिए। और इसकी भी मतलब आप टाइम टू टाइम कटिंग्स को लगा लें 15-15 दिन के गैप में, ताकि पूरे विंटर आपके पास ये बने रहें। तो अपने गार्डन की कटिंग्स तो लेकर मैंने लगाई ही है, साथ में नर्सरी से कुछ सैपलिंग्स भी लेकर आई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी ग्रोथ, देखिए। तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसी सॉइल मीडिया बनाएंगे, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। तो ये दो पॉट मैंने ले ली है और ड्रेनेज होल पर, ये देखिए, पुराने टूटे हुए गमले के टुकड़े को अच्छे से ड्रेनेज होल पर कवर कर दी है मैंने, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं सॉइल मीडिया बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये गार्डन सॉइल है दोस्तों, और इसमें राइस हस्क भी मिक्स किया हुआ है मेरा, चूँकि ये पुराना पॉट का सॉइल है। तो ये देखिए, आपको दिखेगा इस तरह से, ये इसमें राइस हस्क, सैंड, सब कुछ इसमें मिक्स है। तो फिर से मैं और फर्टिलाइज़र दूंगी। तो आप अगर नए सॉइल में बना रहे हैं मिट्टी, तो आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल लीजिए, उतना ही मात्रा में कंपोस्ट लीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काउडक मेन्योर हो। अगर गाय के गोबर की खाद आप ले रहे हैं तो काउ मेन्योर ले रहे हैं, तो अच्छी 1 से 1.5 साल तक पुरानी एज की हुई हो, पुरानी हो, ताकि जिससे रूट में फंगस नहीं लगे। और ये सैंड लिया है ताकि ये रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा छोटा है, इसके रूट इतने स्ट्रांग नहीं है, तो पानी रुकना नहीं चाहिए मिट्टी में। और साथ ही देखिए, मेरे अभी टेरेस पर नीम खली नहीं है, तो दो पॉट के हिसाब से बनाएंगे, तो 2 चम्मच मतलब एक पॉट में 1 चम्मच नीम खली ज़रूर दे दीजिएगा। और ये मैं ले रही हूँ 2 स्पून सी वीट ग्रैन्यूल्स, तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। ये सी वीट ग्रैन्यूल्स बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। फंजीसाइड 1 स्पून से 2 स्पून आप ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो दोस्तों, सॉइल की मिक्सिंग हो गई है, अब पॉट में मैं मिट्टी भर दूंगी। तो नीचे देखिए, ठिकरियां जमाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पानी का आवागमन मतलब कि पानी जो एक्स्ट्रा हो वो रुके नहीं। और इस तरह से ठिकरियां दे दीजिए और अब इस तरह से सॉइल को डाल दीजिए। पॉट को ऐसे हिला जरूर लीजिएगा, इससे एयर पॉकेट बिल्कुल भी ना रहे। अब दोस्तों, इसमें वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से। तो इसमें मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी पूरा अच्छे से, ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। और जब तक पानी निकल रहा है, इसको रूट बॉल के साथ ही मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। और इस कदर ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो ये चिकनी मिट्टी मैं ऊपर ऊपर से हटा दूंगी, ज़्यादा नहीं हटाऊंगी, ताकि रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसको पानी में डालकर मुझे हटाना पड़ेगा इस तरह से। चलिए इसे नल के नीचे ले चलते हैं।
बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है। पूरा रूट एक्सपोज नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा हटा दूँगी। और ये नीचे की हटा दूँगी, ये देखिए ये नीचे वाला। जड़ के पास जो लगा है वो आसानी से जो निकल रहा है उसे ही निकालूंगी, बाकी को नहीं निकालूंगी। तो इस तरह से ये लगा हुआ है। और दोस्तों देखिए इस तरह से ये बीच में इसमें गड्ढा बना लेती हूँ मैं हाथों से। और देखिए ये इतना दूर तक मैं मिट्टी चढ़ाऊंगी, यहाँ है इतना, एक नोड ऊपर मैं मिट्टी चढ़ा दूंगी। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाइएगा नहीं तो फंगस लग जाएगा। तो इस तरह से हो गई रिपोर्टिंग नर्सरी से लाए हुए चिकनी मिट्टी में लगे हुए क्रिसैंथेमम के पौधे को। वॉटिंग तो पहले से कर दी थी, अभी इसको मैं 2 दिन तक ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सिर्फ सुबह की ठंडी ठंडी धूप आती हो, और फिर इसको आप कंटिन्यू जब ये जम जाए अच्छे से सेट हो जाए तो इसको आप धूप में रख दीजिएगा, और टाइम टू टाइम इसको फिर फीड भी देना है। दोस्तों अब दूसरे वाले को भी मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। सेकंड वाले को भी देखिए इस तरह से निकाल ली है, और इसको भी ऐसे गड्ढा करूंगी और ये नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दूंगी, ये जो न्यू सूट आ रहा है उसको भी रिमूव कर दूंगी। और इस तरह से दोस्तों थोड़े नीचे एक नोट इसको भी मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से हो गई रिपोर्टिंग। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। और इसको अभी शेड में रखना है 2 दिन तक, जहाँ ठंडी ठंडी सुबह की धूप आ रही हो वैसी जगह पे रखूँगी, तक बहुत ज़्यादा धूप वाले जगह पर नहीं रखूँगी। जब ये सेट हो जाएगा पूरा फ्रेश दिखेगा तब जाकर इसको मैं फिर पूरे धूप में निकालूँगी, तब इसको धूप में हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से हो गई रिपोर्टिंग। और फिर थोड़े दिनों के बाद इसमें सरसों खली की फीड दूँगी, DAP डालूँगी, और फिर इसमें सीवीड ग्रैन्यूल्स भी डालूँगी। और साथ ही साथ नीम, जहाँ भी न्यू ग्रोथ शुरू हो दोस्तों जैसे ही, तो नीम ऑयल का छिड़काव कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर ज़रूर कर दें, ताकि इनमें एफिड का कोई भी शिकायत देखने को ना मिले। नहीं तो एफिड का अटैक इस समय तुरंत ही एफिड का अटैक हो जाता है, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर दे सब्सक्राइब। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।